बिना घी और तेल के बनी मिठाइयों को बनाकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा के पंचायत भरमोटी खुर्द के न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मिठाइयां स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए भी काम कर रही हैं। वर्ष 2016 में शुरू हुई केवल 5 महिलाओं से कारोबार आज के समय में 100 से ज्यादा महिलाएं जुट चुकी हैं और हर माह प्रति महिला 8 से 10,000 रुपए की आमदनी भी कमा रही है। वहीं साल भर में स्वयं सहायता समूह के द्वारा 18 से 20 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं। आंवला की बर्फी, पपीते के पेड़े, लौकी कैंडी, कद्दू की बर्फी के अलावा तरह तरह के आचार भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें खाकर हर कोई तारीफ करते हुए नहीं थकता है। अपनी तरह में अलग तरह की मिठाइयां तैयार करने में जुटी हुई महिलाओं के द्वारा अपनी मिठाई की मिठास हमीरपुर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मिठाई की डिमांड हिमाचल के बाहर पंजाब, दिल्ली, सूरजकुंड, उत्तराखंड में भी है। न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के द्वारा छोटी सी जगह पर मिठाइयां बनाने का काम किया जाता है और दिन रात एक करके स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। इस तरह की मिठाइयां सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि ज्यादातर मिठाइयां फलों से तैयार की जाती हैं। न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष नंदिनी ठाकुर ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद फलों से मिठाइयों के अलावा अचार चटनी बनाने के बारे में बताया गया था और इसके बाद लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाने तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि बिना घी और तेल के मिठाइयों को तैयार किया जाता है, जिन्हें लोग भी बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि पपीते, आंवला, लौकी, कद्दू की बर्फी सेहत के लिए लाभदायक है और कोरोना काल में शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करता है। सर, ये मैंने 2016 में मुझे पता चला अपने समाचार पत्र के थ्रू कि कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में एक 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि फलों और सब्जियों के उत्पाद बनाने सिखाए जाएंगे। तो मैं उसमें अपनी इच्छा जताई और मैंने वहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाया और ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि हमें काफ़ी उत्पाद बनाने सिखाए गए, जैसे कि आंवला की बर्फी, पपीते के पेड़े, कैंडी, मुरब्बा, अचार चटनियाँ इत्यादि। तो मुझे मतलब कि इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे सबसे यूनिक आइटम लगी जो कि कच्चा पपीते के पेड़े हैं खास करके, क्योंकि ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि इसके ये मिठाई भी बन सकती है। तो और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट चुना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये बिना घी और तेल के बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरफ अपना जो है रुझान दिखाया और मार्केट में लाने का सोचा। पपीते सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिना घी और तेल की हैं। दूसरा, पपीता जो है वो सेहत के लिए वैसे ही लाभदायक है, पानी की कमी को पूरा करता है, लीवर हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है और पानी इसके अलावा ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और आंवला, जिसमें कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हमारी बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है, तो इस टाइम तो वैसे भी COVID-19 के जो कोरोना है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है हमारी जो मिठाई है। और मैं लोगों से भी मतलब कि आग्रह करना चाहती हूँ कि अब इस बार दिवाली पे आप बाज़ार की मिठाइयों के बजाय हमारे जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं इनको अपनाएं, ताकि उनकी सेहत को भी लाभ मिले और जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको भी आमदनी का एक साधन मिलेगा। सर, मेरे साथ पहले तो स्टार्टिंग में हमने 5 महिलाओं ने मिलकर बनाया था, अब ये 10 का ग्रुप हो गया है। इसके अलावा मेरे साथ 70-80 के करीब लेडीज जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं और कुछ किसान भाई हैं जो मतलब कि हमारा जैसे हम ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनको हमने काम दे रखा है, तो वो अपना इसमें हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर, सालाना तो ऐसे हम बताना चाहते हैं, लेकिन पर मंथ के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 10-12 हज़ार रुपया हमारा आराम से निकल जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो मार्केट में मतलब कि बना नहीं सकते हैं तो कम से कम अपने घरों में क्यारियाँ लगा के हमारे लिए रॉ मटेरियल ही तैयार कर दें, वो भी बहुत उनको, क्योंकि हम उनसे खरीदेंगे उनको घर बैठे ही आमदनी का साधन मिलेगा। और कुछ महिलाएँ अगर जो नहीं कर सकती हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो जैसे हम बोल सकते हैं आप सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें वो जुराबें वगैरह जो कि वूल की बनती हैं तो वो भी बना सकती हैं, क्योंकि हम जब स्टॉल लगाते हैं तो ये हम सारा सामान साथ में लेके जाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगी कि आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। मैडम, देवबंद से बात करें तो कितनी उम्मीद थी आपको कि ये बिजनेस आपका ग्रो करेगा और चलेगा?
सर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक ये काम करूंगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे समूह की जो महिलाएं हैं उनका सबसे बड़ा से हो गया, लेकिन क्योंकि जो लेडीज़ है उनको घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये अपना काम सारा कर करा के रात को हम दो दो तीन तीन बजे तक भी काम करते हैं। जब जिसको मौका लगता है वो तब अपना आके यहाँ पे अपना सहयोग पूरा दे रही हैं। सुबह से 9 बजे से लेके रात के तीन तीन चार चार बजे तक जब ये हमारे उत्सव आते हैं तो हम काम करते हैं। ये मार्केट जो हमारी एक तो मेलों के द्वारा होती है, दूसरा जैसे हम डीसी ऑफिस में लगाते हैं या ब्लॉक लेवल पे लगाते हैं, इसके अलावा जब हम सार्स फेयर या इंटरनेशनल फेयर जैसे हमने सूरज कुंड में लगाया तो हमें दिल्ली तक से ऑर्डर आते हैं, और रोपड़ चंडीगढ़ पंजाब से, फिर अपना धर्मशाला वाली साइड से भी हमें फ़ोन, जहाँ जहाँ हमने मतलब कि अपना प्रोडक्ट बेचा है वहाँ से हमें मतलब कि ऑर्डर आते हैं, तो हम कोरियर के थ्रू उनको सप्लाई करते हैं। अपने जो हमारे सीएम साहब हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आज हमारे साथ 70 से महिलाएँ जुड़ी हुई हैं उनको परमानेंट, क्योंकि ऐसे हमें जो काम है वो हमें सिर्फ जब अपने उत्सव आते हैं या मेले लगते हैं तभी हम कर पाते हैं, हमारा रेगुलर काम नहीं है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें अपने नियर बस स्टैंड के नज़दीक कहीं आउटलेट मिल जाए तो हमारा जो है वो रोजाना इनकम का साधन बन जाएगा, और जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें कहीं ऐसी जगह दी जाए ताकि, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी पूछा जाता है कि आपका जो कारोबार है वो कहाँ है, आपकी शॉप कहाँ पे है, तो गांव में उनको पता नहीं चलता है कि हमारा कहाँ पे है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बस स्टैंड के आसपास कहीं हो तो उनको भी सामान लेने में समस्या नहीं होगी और हमें भी लाभ पहुँचेगा। मैडम, कोरोना थी या पीछे बीमारी थी, इसमें तो इफेक्ट तो नहीं पड़ा आपके लिए इतना नहीं काम? सर, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो दरअसल है ही मतलब कि ऐसे हैं कि जैसे कि हम करेले का अचार बनाते हैं, लहसुन का अचार बनाते हैं, नींबू का अचार बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे ऐसे हैं कि जो इन बीमारियों के लिए लाभदायक हैं, तो ऐसा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें ऑर्डर आते रहे, जैसे कहीं शादी शुदी होती है तो उसके भी ऑर्डर आते रहते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, वो भी कहीं जैसे कोई फंक्शन होता है तो ब्लॉक लेवल पे तो हमारे से मिठाइयाँ लेते हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि इस काम से बहुत फायदा हो रहा है और अपने घर का काम निपटाने के बाद मिठाइयाँ बनाती हैं जिससे घर का गुजारा चल रहा है। उन्होंने बताया कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी है। इस काम से हमें बड़ा फायदा है, अपना घर का काम पूरा करके हम यहाँ पे काम हाथ बटाती है और अपने घर का सहारा चला रहे हैं। जैसे मेरे घर में तो कमाने का कोई साधन ही नहीं था, तो अब अपना काम करके यहाँ पे आ जाती हूँ तो अच्छा कमा लेते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार करीब महीने का हो जाता है। रात दिन मेहनत करती हैं हम, और मिठाई सारी यहीं पे आके ट्रेनिंग लेके हम सीख रहे हैं और बना रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि आंवले की बर्फी, कद्दू की बर्फी, लौकी की बर्फी, पपीते की बर्फी बनाने के साथ अचार चटनी भी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले कम कमाई होती थी लेकिन अब अच्छी कमाई हो जाती है। आंवले की बर्फी बनाते हैं और कैंडी बनाते हैं और कद्दू की बर्फी बनाते हैं, लौकी की बर्फी बनाते हैं, और हम कई सालों से 5-6 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। और पहले तो हम बहुत गरीब थे, पर लेकिन इनके जब इनके साथ जुड़े तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत लाभ हुआ, और हमें पहले तो थोड़ी होती थी, अब तो बहुत अच्छा कमाई हो जाती है हमारी 8-10 हज़ार। महिला ममता ने बताया कि पहले अपने पति के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था लेकिन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने के आह्वान के बाद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अपनी आजीविका कमा रही हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर, तो हमने जब से इन मिठाइयों के साथ जुड़े हुए हैं तब से हम अपना खर्च खुद चला लेती हैं। पहले तो हमें घर के अपने पति के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर रहना पड़ता था निर्भर, लेकिन अब हम अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा खुद कर सकती हैं। नंदिनी के पति विजय कुमार ने बताया कि बहुत बढ़िया काम स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्टों से सेहत को फायदा होता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है जिससे महिलाओं को घर द्वार पर काम मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये जो हमारे इस पंचायत भरमोटी की जो महिलाएं मिलकर जो काम कर रही हैं, जो इन्होंने समूह बनाया और जो इनका खासकर जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी दमदार प्रोडक्ट है और लोगों की सेहत के लिए
काफ़ी मतलब वो फ़ायदेमंद जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, जैसे कि आंवला हो गया, पपीता हो गया, कद्दू, लौकी, जो ऐसे लौकी और कद्दू तो आजकल के जो नई जनरेशन वो खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरफ जो ये काम कर रही हैं महिलाएं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इनको समय समय पर मैं तो अपनी तरफ से प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, वो उनको घर द्वार पे काम मिल रहा है और ज़्यादा नहीं, मंथली ये 7 से 8 हज़ार रुपये जो कमा रहे हैं, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। गौरतलब है कि न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह भरमोटी खुर्द की महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे इस तरह के काम को देखकर हर कोई प्रभावित होता है और मिठाइयों के काम को देखकर दूसरे लोगों को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटाने के साथ साथ परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी काम कर आजीविका कमा रही हैं, जिससे घर का खर्चा भी निकलने के साथ आत्मनिर्भर भी बनी है।